अस्सलाम वालेकुम असलमकम शन आई होप आर डूइंग वेल यूनिवर्सिटी ऑफ़ सरगोदा की जो है एडमिशन ओपन हो चुकी हैं ठीक है, है। यहाँ से आप उनकी इंटरफेस से देख सकते हैं यहाँ पे आप यूनिवर्सिटी ऑफ़ सरगोदा लिखिएगा तो आपको जो है ना यहाँ पे जो ना वो यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा का इंटरफेस आएगा जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है ना कहता है इंटरफेयर ओपन होगा ठीक है कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो कि फॉल और स्प्रिंग के एडमिशन ओपन करती हैं फॉल एडमिशन यूनिवर्सिटी ने जब ओपन किए थे तो मैंने इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर दी थी स्प्रिंग एडमिशन ओपन हो चुके हैं ठीक है एडवर्टाइजमेंट फॉर्म यहाँ से आप देख सकते हैं किन किन डिग्री प्रोग्राम एडिशन फैसिलिटी फेकेटी ऑफ साइंस में ठीक है बी एस वगैरह के और उसके बाद एम फिल पी एच डी उसके बाद जो है बायोटेक्नोलॉजी के बॉटनी के अर्थ साइंस के उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ़ मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट ऑफ़ फिजिक्स स्टैटिक्स जोलॉजी और उसके बाद जो है यहाँ पे सोशल साइंस में जिसमें एजुकेशन इकोनॉमी उसके बाद हिस्ट्री एंड पार्क स्टडी और उसके बाद जो है ना मल्ली फिरोज खान नून बिजनेस स्कूल उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल इंटरनेशनल रिलेशन डिपार्टमेंट ऑफ़ साइकोलॉजी सोशल वर्क उसके बाद सोशलोजी एंड क्रिमिनोलॉजी और उसके बाद जो, जो है ना वो उसके इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट्स एंड डिज़ाइन में डिपार्टमेंट ऑफ अरेबिक लैंग्वेज एंड लिटरेचर डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन एंड मीडिया स्टडी डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट इस्लामिक स्टडी परशियन लैंग्वेज एंड लिट्रेशन डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक पंजाबी लैंग्वेज लिट्रेचर एंड कल्चर स्पोर्ट साइंस उसके बाद उर्दू लैंग्वेज एंड लिटरेचर उसके बाद फिलिटी ऑफ एग्रीकल्चर में एनिमल साइंस हॉर्टीकल्चर फूड साइंस एंड न्यूट्रेशन फिलीटी ऑफ फार्मेसी में डीफार्मेसी वगैरह के डिफरेंट प्रोग्राम है कंप्यूटिंग एंड इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के डिफरेंट डिग्री प्रोग्राम है ठीक है इसमें जो ना आप अप्लाई कर सकते हैं एडमिशन जो है ना वो बेसिकली ट्वेंटी नवंबर से जो है ना एडमिशन ओपन हुए हैं ठीक है लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन टू जनवरी इसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट है ठीक है स्टूडेंट अलर्ट ये यहाँ से एक दफा आप जरूर पढ़िएगा ठीक है और उसके बाद जो है ना यहाँ पे डिस्प्ले ऑफ फर्स्ट में रिलीज इलेवंथ जनवरी को डिस्प्ले की जाएगी सेल्फ स्पोर्टिंग की ट्वेंटी फोर को डिस्प्ले सेकंड में रिलीज सेवनटीन को थर्ड ट्वेंटी टू को ठीक है और क्लासेज जो है ना वो सिक्स से सिक्स फरवरी से जो ना आपकी क्लासेज शुरू हो जाएंगी ठीक है हाफ दे क्रॉन टेस्ट फोर्थ जनवरी को होगा एडमिशन टेस्ट इंटरव्यू फोर्थ जनवरी को होगा मेडिकल एग्जामिनेशन टेस्ट एट जनवरी को होगा ठीक है कोकुलर टेस्ट स्पोर्ट टेस्ट वगैरह यहाँ पे फोर्थ जनवरी आठ जनवरी और दस जनवरी को होंगे ठीक है यहाँ पे नॉमिनेट्स फॉर रेलवे एजेंसी डिपार्टमेंट प्रोविजनल गवर्नमेंट जी एच क्यू वगैरह रिजर्व सीट्स मस्ट बी रीच इन एडमिशन ऑफिस ठीक है रिजर्व सीट्स भी हैं ठीक है कैंडिडेट यहाँ पे लिखा है कि कैंडिडेट हुआ है पास फर्स्ट ईयर एंड वेटिंग फॉर द रिज़ल्ट ऑफ सेकंड ईयर ठीक है जिन स्टूडेंट ने सेकंड ईयर के एग्जाम दे दिए और उसके जो है ना वो रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं वो स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं ठीक है प्रोविजनल बेस जो है ना वो एडमिशन होंगे ठीक है और इसमें लिखा कि आफ्टर फुलफ़िल एडमिशन रिक्वायरमेंट मैंशन इज रिक्वायर्ड एडमिशन रेगोलूशन ठीक है जो है ना वो सारी चीज़ें जो है ना वो एडमिशन प्रोस्पेक्सप्रेस पे आपको अवेलेबल मिल जाएंगी ठीक है टेंथ जो है ना सीट्स इन प्रोग्राम अंडर ग्रेजुएटेड जो ना वो सेल्फ फाइनेंस के लिए रिजर्व है ठीक है वन लैक जो है ना आपने सबमिट करवाना है उसके वाले से पहले ही बस तो कैंडिडेट्स आर रिस्पॉन्सबल टू तो विजिट यूनिवर्सिटी वगैरह वो आपने खुद ही यूनिवर्सिटी विजिट करना है ठीक है परसेंटेज जो है ना वो रिक्वायर्ड है जो भी परसेंटेज रिक्वायर्ड है वो आपको इनकी वेबसाइट से ही मिल जाएगी ठीक है ये यूनिवर्सिटी का मेन इंटरफेस है ठीक है यहाँ से आप जो ना मेन इंटरफेस पे आके चेक कर सकते हैं ठीक है यहाँ पे यूनिवर्सिटी का अप्लाई नो मतलब ऑनलाइन आपने जब अप्लाई करना है तो यहाँ पे क्लिक करना है डिग्री प्रोग्राम्स यहाँ से आप चेक कर सकते हैं फ़ीस स्ट्रक्चर आपने यहाँ से चेक करना है ठीक है फ़ीस स्ट्रक्चर मैं आपके साथ शेयर कर दूँ ये फीस स्ट्रक्चर है यूनिवर्सिटी ऑफ एग्री यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ़ एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट ऑफ फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन और कॉलेज ऑफ लॉ ठीक है उनका जो टोटल फर्स्ट सेमेस्टर फी है वो पी की आप यहाँ से देख सकते हैं सिक्सटी टू थाउजेंड बी एम एस सी ऑनर की और उसके बाद वगैरह की वो फोटी एट ठीक है बी एस वगैरह की फोटी ठीक है ऐसे जो है ना वो फोट साइंस एंड न्यूट्रिशन और कॉलेज ऑफ़ लॉ की फोर्टी सेवन जो है ना वो कॉलेज ऑफ लॉ की और एल एल बी की जो है ना वो फोटी थाउजेंड फ़ी है एल एल एम की फिफ़्टी टू थाउज़ेंड फ़ी है बी एस वगैरह की वो जिस तरह फ़ी बनती है उसके बाद टोटल फ़ी जो है ना मतलब होल जो है ना वो कोर्स फी वो यहाँ पर लिखी है ठीक है एल एल बी की और एल एल बी की और जो है ना एल एम वगैरह की यहाँ पे सारी जो है ना वो फ़ीस लिखी है ठीक है यहाँ पे ये भी लिखा है कि रेगुलर सेल्फ स्टूडेंट ओनली फॉर दोज कैंडिडेट हु आर नॉट आलरेडी रजिस्टर्ड विद द यूनिवर्सिटी ऑफ सरबोदा ठीक है वो स्टूडेंट जो है ना वो किस तरह अप्लाई करेंगे ठीक है उसके बाद यहाँ पे अनदर फीस स्ट्रक्चर के वाले से भी लिखा है ठीक है मतलब के इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट्स एंड डिज़ाइन अरेबिक लैंग्वेज एंड लिटरेचर और उसके बाद जो है ना कम्युनिकेशन एंड मीडिया स्टडी ठीक है इसमें जो है ना वो उसकी फ़ीस स्ट्रक्चर के वाले से भी लिखा है वो जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ी है ये ठीक है ये जो ब्लॉक है इसमें जो ना फर्स्ट सेमेस्टर की फी लिखी है ठीक है और सेकंड सेमेस्टर की जो फी है वो नीचे वाले ब्लॉक में लिखी है ठीक है सेकंड सेमेस्टर एंड ऑनवर्ड यहाँ से आप इसको जो ना वो खुद भी पढ़ सकते हैं फर्स्ट सेमेस्टर फी इस वजह से ज़्यादा होती है क्योंकि इसमें एडमिशन चार्जिज लाइब्रेरी वगैरह चार्जिज ये सारे इंक्लूड होते हैं ठीक है तो वो एडमिशन चार्जेस फिर खत्म हो जाते हैं और बाकी जो बच जाती है वो फीस जो है ना, ना वो फिर सेकंड सेमेस्टर से ओनवर्ट जो है ना वो आपसे फ़ी ली जाती है ठीक है ऐसे इंग्लिश और इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट की फ़ी भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं परशियन लैंग्वेज एंड लिटरेचर वगैरह स्पोर्ट्स साइंस की फ़ी भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं ठीक है उर्दू लैंग्वेज लिटरेचर वगैरह कॉलेज ऑफ़ फार्मेसी की फी चेक कर सकते हैं उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी बॉटनी कमिस्ट्री कंप्यूटर की फीस स्ट्रक्चर चेक कर सकते हैं साइंस एंड आई टी अर्थ साइंस और मैथमेटिक्स की फीस अच्छा चेक कर सकते हैं फिजिक्स स्टैटिक्स बॉलोजी की फीस अच्छा चेक कर सकते हैं इकोनॉमी एजुकेशन हिस्ट्री एंड पास्ट स्टडी और उसके बाद जो है ना यहाँ पे साइकोलॉजी वगैरह की फीस स्ट्रक्चर जो है ना यहाँ से इजीली आप देख सकते हैं ठीक है अब आप इसमें अप्लाई कैसे करना है यहाँ पे आप अप्लाई नो पे क्लिक कीजिएगा ठीक है स्कॉलरशिप वाले स्टूडेंट जो स्टूडेंट स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं वो सारा प्रोसीजर यहाँ पर लिखा हुआ है स्कॉलरशिप का क्या प्रोसीजर है ठीक है जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है ना वो स्कॉलरशिप का प्रोसीजर आ जाएगा अप्लाई नो पे क्लिक करने के लिए मतलब अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते तो यहाँ पे ये स्कॉलरशिप्स हैं एच ई सी रीट बे बेनती है ठीक है दे आर पाकिस्तान स्कॉलरशिप ठीक है ये ये डिफेंस स्कॉलरशिप जो ना है ना यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कर रही है स्टूडेंट को ठीक है उसके बाद जो है ना यहाँ पे ऑनलाइन कैसे आपने अप्लाई करना है ऑनलाइन अप्लाई का प्रोसीजर क्या है ऑनलाइन अप्लाई का प्रोसीजर यही है कि आपने यूनिवर्सिटी के फर्स्ट इंटरफेस पे आना है ठीक है यहाँ पे आप अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करके भी आप अप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं नीचे स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करके भी ऑनलाइन अपला करता है मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ ठीक है जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मेरे सामने एक ऐसा इंटरफेस जो ना ओपन हो चुका होगा ठीक है अब यहाँ पे जो है ना इंटरफेस देख सकते हैं सबसे पहले आप अपना अकाउंट रजिस्टर करेंगे ठीक है अपना अकाउंट बनाएंगे यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे अपना नेम लिखेंगे अपना फोन नंबर लिखेंगे ईमेल एड्रेस लिखेंगे पासवर्ड लिखेंगे पासवर्ड अपना पासवर्ड लिखेंगे पासवर्ड कन्फर्म गर करेंगे रजिस्टर को क्लिक कर देंगे ठीक है उसके बाद आप बैक पे चले जाएँगे ठीक है ऑलरेडी यूज़र ठीक है वही फोन नंबर और पासवर्ड यहाँ पे एंटर करेंगे लॉग इन पर क्लिक कर देंगे ठीक है इसमें मैं एक चीज़ शेयर करता चाहूँगा कि अगर आप घर बैठे अप्लाई करवाना चाहते हैं ठीक है तो आप इस नंबर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ठीक है ये आपसे जो ना थ्री हंड्रेड फीस लेंगे ठीक है जो कि आप ऑनलाइन ही जो ना इनको फीस सबमिट करवाएंगे अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है ना वो जाएँगे इनको ठीक है और ये आपकी घर बैठे ही आपकी सारी रजिस्ट्रेशन कर देंगे ठीक है ये मैंने किसी जो ना स्टूडियो से नंबर लिया था उनका काम ही है बेसिकली और उन्होंने पहले भी बहुत से स्टूडेंट को ऐसे करके दिया है ठीक है तो अगर आप में से कोई करवाना चाहता है तो वो इनसे ज़रूर कांटेक्ट कीजिएगा सही है तो उसके बाद जो है ना मेरे चैनल पे इसके वाले से जो है ना कंप्लीट वीडियो पहले से ही अपलोड है वो टू अप्लाई ऑनलाइन सरगोदा यूनिवर्सिटी का स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर मैं पहले ही शेयर कर चुका हूँ ठीक है जैसे ही आप इस वीडियो पर क्लिक करेंगे तो आपको जो है ना इसमें ट्वेंटी मिनट का स्टेप बाई स्टेप प्रोसीजर अकाउंट क्रिएट करने से ले जैसे कि मैंने अभी यहाँ पर आपको समझाया कि कैसे अकाउंट क्रिएट करना है फिर लॉगिन कैसे करना है इसके आगे का जो जितना प्रोसीजर है ना ठीक है फॉर्म सबमिट साथ वो सारा जो है ना आपको इसमें मिल जाएगा ठीक है अभी यहाँ पे अभी यहाँ पे ये प्लेलिस्ट है ठीक है हो टू अप्लाई यूनिवर्सिटीज़ ठीक है जैसे ही आप इस प्लेलिस्ट पे चेक करेंगे तो इसमें आपको डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के जो है ना वो अप्लाई के प्रोसीजर के वाले से जो ना वो पता चलेगा मतलब अगर पाकिस्तान की किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं ऑनलाइन ठीक है घर बैठे खुद से ही तो आपको सभी की तकरीबन इफॉर्मेशन जो है ना इस इधर से मिल जाएगी ठीक है इसमें सरगोदा यूनिवर्सिटी का भी नाम होगा ठीक है तो आप वहाँ से जाके ये यूनिवर्सिटी हो तो अपलायर यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा ठीक है, है? इधर से आप क्लिक करके तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर जो है ना वो आपके साथ शेयर कर चुका हूँ मैं पहले ही फिर भी कोई भी क्वेश्चन हो और आकुमेंट्स पूछ सकते हैं ठीक है नंबर मैंने दे दिया अगर कोई स्टूडेंट घर बैठे अप्लाई करवाना चाहता है ठीक है उसमें ये होता है कि जब आप खुद अप्लाई करते हैं तो आपके जो है ना वो मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि आप जो है ना उसमें कोई कुछ ना कुछ जो है ना वो गलत इफॉर्मेशन फिल कर दें लेकिन जो बंदा एक्सपर्ट है अप्लाई करने के हवाले से ठीक है वो फिर जो है ना वो गलत चीज़ कोई भी इन्फॉमेशन है ना वो फिल नहीं करता ठीक है तो ये मैं नंबर आपके साथ पहले शेयर कर चुका हूँ अगर आप उस उधर से अप्लाई करवाना चाहते हैं तो वो आपकी मर्जी है वरना यहाँ पे सब प्रोसीजर डिटेल कंप्लीट डिटेल डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करने हैं फॉर्म कैसे फ़िलिंग